बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, और ख्वातीनों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हर कम्युनिटी के लोग हैं, मर्द हजरात को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप भी इसका हिस्सा बने, और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मोदी जी और अमित शाह का कि उन्होंने इस देश में एक इनकलाबी माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन झूठ बोलने से नहीं कतरा है, झूठ तो बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, फासिज्म को जिंदा रहने के लिए झूठ जरूरी है। तो ये जो फासीवादी सरकार है ये हर दिन झूठ बोलती है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि सीएए से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, अगले दिन आयशी घोष का सर फोड़ देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं हमने आज तक एनआरसी पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं किया, सीएए नोटिफाई हो गया है, नोटिफाई हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है, इतने दिन से चल रहा, उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो मोदी जी और शाह जी की को शुक्रिया अदा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने हमें हमारी आइडेंटिटी की कॉन्शियस बना दिया गया है, यानी चार साल से इतना अटैक किया है हमारी आइडेंटिटी पे एज अ मुस्लिम, इतना अटैक किया है, चाहे वो मॉब लिंचिंग करा के हो, चाहे वो लव जिहाद करा के हो, चाहे वो घर वापसी करा के हो, चाहे हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी बता के हो, चाहे ये बता के हो कि हम हिंदुओं के राइट्स छीनने आ गए हैं, उनके रिसोर्सेज छीनने आ गए हैं, हम हिंदुओं को सुपरसीड कर देंगे इन नंबर्स 10 साल बाद 50 साल बाद जो भी उनके फिगर्स हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब कांस्टेंट अटैक्स होते रहते हैं आपकी आइडेंटिटी पे, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है ओ हम मुस्लिम हैं। आपको जो बातें पहले नहीं पता थी, शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता था मुसलमान होने से, शायद उसे अपनी आइडेंटिटी की कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने 4 साल 5 साल से जो अटैक किए हैं, तो अब एवरीबडी इज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर आइडेंटिटीज एंड दे आर ओपन कमिंग ऑन स्ट्रीट्स टू फाइट अगेंस्ट दिस फासिस्ट रिजीम। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो मुझे इस डिस्कोर्स से प्रॉब्लम लगता है, वो ये है कि हर कोई कहता है कि ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बहुत हद तक बात सही है, लेकिन जब आप ये बात कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं ना, तो होता क्या है कि ये जो मुसलमानों का मुद्दा है वो बिल्कुल कहीं छुप सा जाता है। बात बिल्कुल साफ है कि दिस एक्ट CAA is openly against Muslims. It's overtly against Muslims. किसी को नहीं उसमें हटाया गया है, बस मुसलमानों को हटाया गया है। तो हम यही कह दें कि नहीं, मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, तो क्या होगा कि हम फिर भी कहीं पीछे रह जाएंगे। So our identities will be appropriated. तो ये कहना नहीं है, मुसलमानों का मुद्दा है, हम बस उसे क्या कर रहे हैं, हम बस उसे अक्नॉलेज कर रहे हैं। द इशू इज कम्युनल, वी आर नॉट कम्युनलाइजिंग इट, इट इज कम्युनल, वी आर जस्ट अक्नॉलेजिंग दैट फैक्ट। मुद्दा डाउनट्रोडन कम्युनिटी का भी है, मुद्दा सोशली ऑप्रेस्ड क्लास का है। मुसलमान तो अपने रिलीजन की वजह से नहीं इसका हिस्सा बन सकेंगे सिटीजनशिप का, लेकिन जो इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इस एक्ट का, उसमें गरीब गुरबा भी अब कागज़ नहीं दिखा पाएंगे, और जो एससी है, एसटी लोग हैं, ये लोग भी नहीं कर पाएंगे, अपना हिस्सा दिखा पाएंगे। और ये जो अमित शाह जी ऐसे क्लेम्स करते हैं, बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं कि हम इतने लोगों को पाकिस्तान से और बांग्लादेश से हम सिटीजनशिप दे देंगे, तो भाई आप उन्हें आप हमें ये तो बताइए कि उसका एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, कहाँ से आप पैसे लाएंगे, इतने टैक्स के पैसे आप इन चीज़ों में लगा देंगे तो हमारी जॉब्स का क्या होगा, देश में जॉब्स नहीं है। पीएचडी दोस्त हैं मेरे, पीएचडी कर करके घूम रहे हैं, उन्हें कहीं जॉब्स ही नहीं मिल रही है। जेएनयू और जामिया और एएमयू को आपने इतना बर्बाद कर दिया कि अब उन्हें कोई एम्प्लॉय करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये मुद्दा मुसलमानों का ज़रूर है एंड वी मस्ट एक्नॉलेज इट। एंड द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू से, द लास्ट थिंग इज कि मुसलमान औरतों को और बाकी कम्युनिटी को, औरतों को सलाम कि आप लोग उठ सके हैं, ये बीजेपी के मुंह पे करारा जवाब है, क्योंकि उन्होंने जो डिस्कोर्स बनाया था कि ट्रिपल तलाक से इनको सेव करो, ये ऑपरेस्ड औरतें हैं, ये मर्दों के नीचे, इनके पैरों तले नीचे जीती हैं, ट्रिपल तलाक से हम सेवियर बन के आएंगे, यू आर नॉट आर मसाया, यू आर नॉट आर सेवियर, वी कैन स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। आपने जो हमसे हमारी एजेंसी छीनी थी, मुस्लिम वुमेन हैव शोन दैट एजेंसी बिलोंग्स टू देम, वो बिल्कुल सड़क पे खड़े होकर आगे कह चुकी हैं कि हम अपने मुद्दे खुद संभाल सकते हैं एंड वी विल टेक दिस डिस्कोर्स फॉरवर्ड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आखिरी बात में कहना चाहूँगी कि प्रोटेस्ट का जो ऑपोजिट साइड होता है, यानी जो गवर्नमेंट क्या देखती है कि प्रोटेस्ट फटीक कब होगा, कब ये लोग थक जाएंगे,
कब थकेंगे और हम अपना चीज लागू करके आगे निकल सकते हैं, तो वो थकावट नहीं होनी चाहिए, इस प्रोटेस्ट को चलता रहने चाहिए, देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कीप शोइंग दिस करेज। थैंक यू। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।